गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज डेट हमारा 18 सितंबर 2021 है, डे सैटरडे है। ये हमारी बाल सभा एक्टिविटी है, ये राइटिंग कंपटीशन से रिलेटेड हमारी बाल सभा एक्टिविटी है। आपको जो मैंने दे रखा है, ये जो मैंने कर्सिव राइटिंग में लिख के, इसको क्या करना है, आपको लिखना है। और जैसे आज टॉपिक है हमारा, ये मोरल स्टोरी है हमारी, द फार्मर एंड द क्रेन। हम आज फार्मर और क्रेन, सारस के बारे में, किसान और सारस के बारे में पढ़ेंगे। देयर वंस वॉज अ फार्मर हु वॉज वेरी वरीड अबाउट हिज क्रॉप गेटिंग ईटन बाय द बर्ड्स। एक बार की बात, एक जो किसान है बहुत ज़्यादा परेशान था। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी अनाज थे वो कौन खा लेता था, बहुत सारे पक्षी जो है खा लेते थे। सो ही लेड अ ट्रैप फॉर द बर्ड्स। तो उसने क्या किया, मतलब बर्ड्स के लिए, उनके लिए जाल बिछाने का सोचा, मतलब उसने बिछाया। नेक्स्ट डे ही मैनेज टू कैच अ फ्लॉक ऑफ द बर्ड्स। उसने फिर अगले दिन क्या किया, अगले दिन उसने जाल बिछाया और पक्षियों के बहुत बड़े झुंड को उसने पकड़ा। अ क्रेन ऑल्सो गॉट ट्रैप्ड इन द नेट। एक जो क्रेन था, सारस था, वो भी जो क्या है, उस जाल में फंस गया। द क्रेन प्लीडेड विद द फार्मर फॉर हिज फ्रीडम। जो क्रेन था, सारस था, बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट कर रहा था फार्मर से कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मतलब मुझे मेरी आज़ादी दे दो। द फार्मर रिट्रोटेड। फार्मर ने जो है उसको मुंह तोड़, मतलब जवाब देते हुए बोला, यू हैव बिन फाउंड इन द कंपनी ऑफ दिस बर्ड्स हु वर ईटिंग माई सीड्स, सो आई विल नॉट स्पेयर यू। उसने बोला, फार्मर ने, किसान ने, कि तुम भी जो हो, मतलब इन्हीं पक्षियों के साथ मुझे दिखाई दिए, मेरे जो बीज है उसको खाते हुए, अनाज को खाते हुए, तो मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मोरल क्या है, बैड कंपनी इज़ हार्मफुल, मतलब किसी के साथ गलत संगत जो है हमारे लिए गलत साबित होता है। तो इसलिए कभी भी आपको किसी भी गलत इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। कोई भी आपको गलत शिक्षा देता है तो वो नहीं लेना चाहिए। हमेशा जो है सत्य की राह पर चलना चाहिए और हमेशा सही काम, सही इंसान के साथ रहना चाहिए। यह आपको, मतलब जैसे मैंने एज इट इज़ लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। ये हमारी बाल सभा एक्टिविटी है, कंप्लीट होती है। थैंक यू।